नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा निधियों के वितरण को लेकर राज्यों के न्यायालय जाने पर चिंता व्यक्त की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ शहरी सहकारी बैंकों की कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। भारत में वित्तीय वर्ष 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 18 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की है। गुजरात हाई कोर्ट ने क्राउड फंडिंग से संबंधित विनियमों पर विवरण मांगा है। एक अध्ययन के अनुसार खराब अंतरिक्ष मौसम स्थितियों के कारण 38 स्टारलिंक उपग्रह नष्ट हो गए थे। एक अध्ययन के अनुसार अम्लीकरण की वजह से भारतीय मृदा से 3.3 बिलियन टन आवश्यक कार्बन नष्ट हो सकता है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा निधियों के वितरण को लेकर राज्यों के न्यायालय जाने पर चिंता व्यक्त की है। हाल ही में कर्नाटक ने सूखा प्रबंधन के लिए राहत की मांग करते हुए केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी NDRF से वित्तीय सहायता जारी करने का आग्रह किया है। इससे पहले तमिलनाडु ने भी चक्रवात मिचौंग और अप्रत्याशित बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए NDRF के तहत केंद्र द्वारा फंड जारी ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। खबर में आगे बढ़ने से पहले राज्य वित्त की स्थिति के बारे में जानते हैं। राज्य सरकारें अपने राजस्व व्यय का केवल 58% अपने राजस्व स्रोतों से पूरा करती हैं। मार्च 2023 में सभी राज्यों का ऋण राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP अनुपात 27.5% था। अब समझते हैं कि राज्य सरकारें केंद्र पर अधिक निर्भर क्यों हैं। दरअसल राज्यों को दी जाने वाली GST प्रतिपूर्ति को जून 2022 में बंद कर दिया गया था। जिन करों को GST के तहत शामिल किया गया है उनसे पहले राज्यों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन अब राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी SGST के तहत उन्हें कम राजस्व प्राप्त हो रहा है। केंद्र सरकार उपकर यानी सेस और अधिभार सरचार्ज अधिक लगा रही है, लेकिन इनसे प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। कृषि ऋण माफी जैसी घोषणाओं के कारण भी राज्यों के वित्त पर बोझ बढ़ता है। खबर की बेहतर समझ के लिए राज्यों के वित्त से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को जानते हैं। अनुच्छेद 275, इसके तहत संसद कानून बनाकर केंद्र को कुछ राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान देने की अनुमति दे सकती है। अनुच्छेद 282, यह अनुच्छेद संघ और राज्यों को किसी भी लोक उद्देश्य के लिए विवेकाधीन अनुदान देने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 293, यह अनुच्छेद राज्यों को राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर धन उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है। अब राज्य वित्त में सुधार के लिए किए गए उपाय जान लेते हैं। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को विद्युत क्षेत्र में सुधार करने पर GSDP का 0.5% प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त उधार देने की सिफारिश की है। खबर के आखिर में आगे की राह समझते हैं। राज्यों के राजस्व संग्रह को मजबूत करने के लिए व्यवसाय अनुकूल कर प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। गैर कर राजस्व बढ़ाने के लिए बिजली पानी और अन्य सार्वजनिक सेवाओं आदि पर उपयोगकर्ता शुल्क यानी यूजर चार्जेस में संशोधन करने की जरूरत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कुछ शहरी सहकारी बैंकों UCBs की कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें कि RBI ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और सर्वोदय सहकारी बैंक के खातों से निश्चित मात्रा में ही धनराशि निकालने की सीमा लगाई है। RBI ने कहा है कि पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए तक का जमा बीमा क्लेम प्राप्त करने के हकदार होंगे। गौरतलब है कि DICGC की स्थापना DICGC अधिनियम 1961 के तहत हुई है। यह भारत में संचालित विदेशी बैंकों की शाखाओं, लोकल एरिया बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि को बीमा कवर प्रदान करता है। चलिए अब शहरी सहकारी बैंकों UCBs के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक सहकारी बैंकों को शहरी सहकारी बैंक कहा जाता है। ये बैंक संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं।
आरबीआई का विनियामक फ्रेमवर्क यूसीबीज को 4 टीयर्स में वर्गीकृत करता है। यूसीबीज से जुड़ी चिंताओं की बात करें तो इन बैंकों का पूंजीगत आधार कम होता है, साथ ही इनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी कम है। इसके अलावा इन बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात काफी उच्च है। इनके विनियमन में एक रूपता की कमी है। इसके साथ ही इनके प्रबंधन में राजनीतिक व्यक्तियों के हित शामिल होते हैं। चलिए अब यूसीबीज को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जान लेते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020 के तहत यूसीबीज के प्रबंधन, प्रशासन, संचालन, समापन आदि को आरबीआई के कार्यक्षेत्र के दायरे में लाया गया है। इसके साथ ही यूसीबीज द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकट के शीघ्र समाधान के लिए पर्यवेक्षी कार्यवाही फ्रेमवर्क यानी सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क जारी किया गया है और नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड को यूसीबी क्षेत्र के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यूसीबीज के वर्गीकरण की बात करें तो इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है टीयर 4, इसमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले यूसीबीज आते हैं। दूसरा है टीयर 3, इसमें 1,000 करोड़ रुपए से अधिक और 10,000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले यूसीबीज आते हैं। अगला है टीयर 2, इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1,000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले यूसीबीज आते हैं। और अंत में है टीयर 1, इसमें सभी यूनिट यूसीबीज और वेतन भोगी यूसीबीज तथा 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले अन्य सभी यूसीबीज आते हैं। आइए अब खबर के अंत में यूसीबीज के दोहरे विनियमन के बारे में समझ लेते हैं। आरबीआई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत यूसीबीज के बैंकिंग संबंधी कार्यों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। इसके साथ ही सहकारी समितियों के राज्य या केंद्र स्थित रजिस्ट्रार यूसीबीज के प्रबंधकीय, प्रशासनिक और अन्य मामलों की निगरानी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत ने वित्त वर्ष 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 18 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि दर्ज की गई है। 18 गीगावाट की वृद्धि में मुख्य रूप से 12.78 गीगावाट सौर ऊर्जा और 2.27 गीगावाट पवन ऊर्जा का योगदान है। उल्लेखनीय है कि स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अक्टूबर 2023 में बढ़कर 178.98 गीगावाट हो गई थी। यह 2014 में 76.37 गीगावाट थी। इस प्रकार इसमें लगभग 2.34 गुना की वृद्धि हुई है। सबसे पहले भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों को जानते हैं। भारत का लक्ष्य साल 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के कम से कम आधे की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी। अब बढ़ते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की तरफ। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को प्लग एंड प्ले आधार पर भूमि और ट्रांसमिशन सुविधा प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है। योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम कुसुम, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल्स कार्यक्रम के तहत उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम आदि शुरू किए गए हैं। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड नीति 2018 लागू की गई है। चलिए अब प्रमुख चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति स्थिर नहीं रहती है और इनसे उत्पादन का विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाना भी मुश्किल होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की लागत काफी अधिक है। नए बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति खराब है, इससे ट्रांसमिशन और ग्रिड एकीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। भौगोलिक वजहों से देश के प्रत्येक क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में अंतर मौजूद है आदि। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए स्थापित क्षमता की बात करें तो यह भारत के कुल एनर्जी मिक्स का 41.4% है। इनमें अलग अलग स्रोतों का योगदान है, जैसे पवन ऊर्जा 45.15 गीगावाट, सौर ऊर्जा 75.57 गीगावाट, बायोमास या सह उत्पादन 10.2 गीगावाट, लघु जल विद्युत 4.99 गीगावाट, अपशिष्ट से ऊर्जा
0.58 गीगावाट तथा बड़े जल विद्युत संयंत्र 40.92 गीगावाट आदि। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। गुजरात हाईकोर्ट ने क्राउड फंडिंग से संबंधित विनियमों पर विवरण मांगा है। आपको बता दें कि क्राउड फंडिंग वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए कई निवेशकों से लघु धनराशि जुटाने की एक पद्धति है। यह धनराशि विशेष परियोजना, व्यवसायिक उद्यम या सामाजिक उद्देश्य के लिए जुटाई जाती है। गौरतलब है कि धन जुटाने की पारंपरिक पद्धति के अंतर्गत धनराशि केवल सीमित स्रोतों से ही जुटाई जाती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारत में क्राउड फंडिंग को विनियमित करता है। आइए सबसे पहले क्राउड फंडिंग पर सेबी के दिशा निर्देश क्या हैं इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं। केवल मान्यता प्राप्त निवेशक ही निवेश कर सकते हैं। इसमें कई समूह शामिल हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित कंपनियां जिनकी न्यूनतम नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उच्च नेटवर्थ वाला व्यक्ति जिसकी न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए है और पात्र खुदरा निवेशक जिनकी न्यूनतम वार्षिक सकल आय 10 लाख रुपए है। क्राउड फंडिंग के लाभ के बारे में बात करें तो इसके जरिए नवीन विचारों को वित्त पोषण और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलता है। लघु व मध्यम उद्यमों के लिए ऋण जुटाना आसान हो जाता है। इसके अलावा यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान धन जुटाने का बेहतर साधन है। साथ ही इसके जरिए उन गरीब लोगों के लिए धन जुटाया जा सकता है जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं। चलिए अब क्राउड फंडिंग के जोखिम के बारे में समझ लेते हैं। खुदरा निवेशक स्टार्टअप्स में निवेश से जुड़े जोखिम की प्रकृति नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा नुकसान हो गया तो उसे सहन भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही फ्रॉड करने वालों द्वारा वास्तविक वेबसाइट्स का दुरुपयोग किया जा सकता है और वेब आधारित प्लेटफॉर्म्स की निगरानी नहीं होने से आतंकवाद के वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिम पैदा होते हैं। क्राउड फंडिंग के प्रकार की बात करें तो इनमें सामाजिक उधार या डोनेशन क्राउड फंडिंग, रिवॉर्ड आधारित क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग, इक्विटी क्राउड फंडिंग, सामुदायिक क्राउड फंडिंग और वित्तीय लाभ आधारित क्राउड फंडिंग शामिल हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन के अनुसार खराब अंतरिक्ष मौसम स्थितियों के कारण 38 स्टारलिंक उपग्रह नष्ट हो गए। दरअसल स्पेस एक्स द्वारा फरवरी 2022 में लॉन्च किए गए 49 स्टारलिंक उपग्रहों में से 38 जलकर नष्ट हो गए थे। चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टारलिंक के बारे में। यह निम्न भू कक्षा LEO में उपग्रहों का एक समूह है। यह उपग्रह अमेरिकी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस एक्स के हैं। इन उपग्रहों का उद्देश्य विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करना है। स्पेस एक्स ने लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर 42,000 से अधिक उपग्रह स्थापित करने की योजना बनाई है। ये उपग्रह पृथ्वी से निकट होने के कारण कम लेटेंसी और बेहतर बैंडविड्थ प्रदान करेंगे। IISER कोलकाता ने एक अध्ययन में इन उपग्रहों के नष्ट होने के लिए कुछ कारकों को जिम्मेदार माना है, जैसे कि अंतरिक्ष में मौसम की स्थिति, उच्च वायुमंडलीय घनत्व वाली निम्न भू कक्षा में उपग्रहों की मौजूदगी, उपग्रहों की ओरिएंटेशन या पोजीशन में बदलाव के कारण खिंचाव वृद्धि आदि। चलिए अब अंतरिक्ष मौसम के बारे में विस्तार से जानते हैं। अंतरिक्ष मौसम यानी स्पेस वेदर से तात्पर्य पृथ्वी, अन्य ग्रहों और हमारी आकाशगंगा में खगोलीय पिंडों के आसपास के वातावरण से है। ये वातावरण काफी हद तक सूर्य की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है। अंतरिक्ष मौसम सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME तथा सूर्य से निकलने वाले अन्य कणों और उत्सर्जन से प्रभावित होता है। सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर ऊर्जा का अचानक एवं तीव्र उत्सर्जन है जो अक्सर सनस्पॉट से संबंधित होता है। ये फ्लेयर्स सूर्य के वायुमंडल में आमतौर पर सनस्पॉट्स के ऊपर संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र से ऊर्जा उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन CME सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा निष्कासन है। अगर अंतरिक्ष मौसम के पृथ्वी पर प्रभाव के बारे में बात करें तो पहला है रेडियो ब्लैकआउट स्टॉर्म। यह सोलर फ्लेयर्स के साथ उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में रेडियो सिग्नल्स को बाधित करती है, इससे नेविगेशन प्रणाली प्रभावित होती है। दूसरा है भू चुंबकीय तूफान यानी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। ये विद्युत ग्रिडों, पाइपलाइनों और रेलवे के संचालन को प्रभावित करते हैं। ये ऑरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति की उत्पत्ति का कारण भी बनते हैं। भू चुंबकीय तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यापक व्यवधान है।
और तीसरा है सौर विकिरण तूफान यानी सोलर रेडिएशन स्टॉर्म। सूर्य से तेज गति से आने वाले आवेशित कण मैग्नेटोस्फेयर में प्रवेश कर सकते हैं। ये अंतरिक्ष यात्रियों तथा अंतरिक्षयान, उपग्रहों और विमानों को खतरे में डाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी मुख्य खबर की तरफ। एक अध्ययन के अनुसार अम्लीकरण की वजह से भारतीय मृदा से 3.3 बिलियन टन आवश्यक कार्बन नष्ट हो सकता है। आइए खबर की शुरुआत अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालकर करते हैं। भारत में लगभग 30% से अधिक कृषि योग्य भूमि अम्लीय है। इससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। गौरतलब है कि अम्लीय मृदा वह होती है जिसका पीएच मान 5.5 से कम होता है। इसके अलावा मृदा के अम्लीकरण के कारण मृदा के ऊपरी संस्तर से मृदा अजैविक कार्बन यानी सॉइल इनऑर्गेनिक कार्बन SIC की हानि हो सकती है। आपको बता दें कि SIC में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे कार्बन के खनिज रूप शामिल हैं। इनका निर्माण मूल सामग्री के अपशय वेदरिंग से या मृदा में मौजूद खनिजों की वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया से होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृदा अम्लीकरण यानी सॉइल एसिडिफिकेशन वास्तव में समय के साथ मृदा का पीएच मान कम होना है। चलिए अब मृदा अम्लीकरण को बढ़ाने वाले कारकों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। नाइट्रोजन की लीचिंग। अमोनियम युक्त उर्वरक से नाइट्रोजन मृदा में निर्मुक्त होता रहता है। इससे मृदा अम्लीकरण भी बढ़ता जाता है। इसके साथ ही जब कार्बनिक अवशेष का विघटन होता है तब वे मृदा में कार्बनिक अम्ल निर्मुक्त करते हैं। इसके अलावा पौधों की जड़ें जब सक्रिय विकास चरण में होती है तब ये मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करती है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा में कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और मृदा अम्लीकरण के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मृदा अजैविक कार्बन SIC का नुकसान। SIC मुख्य तौर पर कार्बोनेट है। जब मृदा का पीएच स्तर कम हो जाता है तब कार्बोनेट अम्ल मृदा में आसानी से घुल जाते हैं। यह कम पीएच स्तर कार्बोनेट अम्ल को या तो CO2 गैस के रूप में उत्सर्जित कर देता है या सीधे जल में निर्मुक्त कर देता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों की हानि। लाभकारी बैक्टीरिया अम्लीय मृदा में जीवित नहीं रह सकते हैं। और अंत में एल्यूमिनियम विषाक्तता। जब मृदा का पीएच मान कम होता है तब एल्यूमिनियम भी मृदा में घुल जाता है। इसके कारण मृदा के घोल में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाती है। यह नाजुक वनस्पति प्रजातियों की जड़ों के लिए विषाक्त है। अन्य प्रभाव की बात करें तो रोगजनक कवक में वृद्धि होती है, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी आती है आदि। खबर के अंत में अम्लीय मृदा के प्रबंधन के बारे में समझ लेते हैं। पहला है लाइमिंग। ऊपरी खेती योग्य मृदा की परत में चूना, जिप्सम या डोलोमाइट का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है औद्योगिक उप उत्पादों का उपयोग करना। चीनी मिलों से प्रेस मड, लौह और इस्पात उद्योगों से धातु मल, स्लैग, सीमेंट निर्माण संयंत्रों से फ्लू डस्ट आदि का उपयोग किया जा सकता है। और अंत में गन्ना, केला जैसी अम्ल सहिष्णु फसलें उगानी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है कंदुकुरी वीरेशलिंगम। आपको बता दें कि कंदुकुरी वीरेशलिंगम की जयंती पर उन्हें याद किया गया। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था। ये एक समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। इन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने हरिजनों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था तथा अन्य सामाजिक सुधार कार्य किए थे। इसके अलावा इन्होंने दौलेश्वरम में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश में ब्रह्मो मंदिर नाम से एक मंदिर और हितकारिणी विद्यालय की स्थापना की थी। इनके उपन्यास राजशेखर चरित्रामु को तेलुगु साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इन्होंने विवेक वर्धिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। हम इनसे करुणा, न्यायवादी, साहस, मानवतावादी आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। दस्तलिक अभ्यास भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच हर साल आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
गुलाबी सुंडी या पिंक बॉलवर्म यानी PBW के हमलों से उत्तर भारत में कपास की फसल को निरंतर नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए किसान धान, मक्का और ग्वार की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण जियाधल नदी का प्राकृतिक अपवाह बाधित हो रहा है। अल नीनो जनित सूखे के कारण करीबा झील में उसकी कुल क्षमता के केवल 13% जल रह गया है। अल नीनो एक गर्म समुद्री जल धारा है। यह पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट यानी पूर्वी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग से होकर गुजरती है। ग्रेस लैंडर लॉरिस को उत्तरी गोवा में बचाया गया है। यह एक निशाचर प्राइमेट है। यह धीमी गति से विचरण करते हुए भोजन की तलाश करता है। यह भोजन के लिए बड़े कीड़ों की कॉलोनियों के पास रहता है। यह विविपेरस जीव है यानी यह अंडे देने की बजाय मनुष्यों की तरह बच्चों को जन्म देने वाला जीव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस आयोजित किया था। चगास रोग एक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी प्रोटोजोआ परजीवी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के कारण होती है। इस बीमारी के अधिक मामले लैटिन अमेरिकी देशों में मिलते हैं। इन देशों में यह ज़्यादातर वेक्टर जनित बीमारी है। नाइजीरिया दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा अनुशंसित MEN-5CV वैक्सीन लगाने को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन एक ही बार में मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 स्ट्रेंथ से सुरक्षा प्रदान करता है। असम ने बोहाग या रोंगाली बिहू त्यौहार मनाया। इस त्यौहार को अप्रैल माह के मध्य में मनाया जाता है। यह असमिया नववर्ष की शुरुआत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। उल्लेखनीय है कि असम में 3 तरह के बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं, रोंगाली बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू। काटी बिहू अक्टूबर माह में और माघ बिहू जनवरी माह में मनाया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।